अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं सारे? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। राउंड वन का डिसाइडर फ्रेम है जी, शेख उस्मान वर्सेस वकास रजब। शेख उस्मान जो कि फैसलाबाद के प्लेयर है जी, सीनियर टॉप के जो सीनियर प्लेयर हैं उनके अंदर इनका नाम शामिल होता है। और वकास रजब जो कि लाहौर से हैं, नेशनल प्लेयर है जी, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। टफ मुकाबला है जी, बहुत ज़्यादा, और डिसाइडर फ्रेम है दोनों प्लेयर्स के ऊपर, बेहद प्रेशर एक दूसरे का। गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है किसी भी प्लेयर के पास। ओपनिंग टूर्नामेंट है जी फैसलाबाद में, अदरीस भट्ट जो इस क्लब के ऑनर हैं, स्नूकर हब बाय गुलफाम स्नूकर फैक्ट्री, बहुत ही अच्छा वेन्यू ऑर्गेनाइज किया है जी इन्होंने, बहुत अच्छा प्रोटोकॉल प्लेयर्स के लिए, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट सब प्लेयर्स के लिए, पीपल के लिए। और खुसूसन टेबल्स जो है वो बहुत अच्छे इंस्टॉल किए हैं इन्होंने, ऑल टू ऑल सारे टेबल्स जो है वो प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल लेवल के हैं। दोनों प्लेयर जो हैं इस वक्त बहुत ही ध्यान से खेलते हुए, चांस नहीं देना चाह रहे बिल्कुल भी एक दूसरे को। सेफ्टी की तरफ ज़्यादा ध्यान है जी दोनों प्लेयर्स का, और कोशिश यही कर रहे हैं कि एक दूसरे को सेव किया जाए, चांस लेने के लिए डी के अंदर क्यू बॉल रखा जाए। और काफ़ी टफ पोजीशन है इस वक्त क्यू बॉल की। अच्छी कोशिश वकास रजब की जानिब से, रेड अवेलेबल है जी राइट कॉर्नर पॉकेट। और मिस कर दी शेख उस्मान ने, रेड बॉल मिस कर दिया है जी। लॉन्ग शॉट अक्सर जो है वो मिस हो जाती है, और चूंकि प्रेशर भी है जी डिसाइडर का, वकास रजब जो के लाहौर के बहुत अच्छे प्लेयर हैं जी, नेशनल लेवल के प्लेयर हैं, काफ़ी टूर्नामेंट्स ये लोकल पंजाब लेवल पे जीते हुए हैं, मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं जी ये लाहौर के, काफ़ी टाइम इन्होंने स्नूकर के अंदर लगाया है अपना, और फिर जाकर किसी मकाम पर पहुंचे हैं ये। वीडियो को काइंडली शेयर कर दे गाइस, थोड़ी सी टफ पोजीशन आ गई है क्यू बॉल की, सोच रहे हैं वकास रजब कि यहाँ पे किस तरह क्यू बॉल को कंट्रोल किया जाए।
अगर तो रेड यहाँ पॉट करते हैं तो काफ़ी मुश्किल शॉट होगी इनके लिए। आई थिंक पिंक को प्लेस करना चाह रहे हैं सेंटर के अंदर। और बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है वो रेड पॉट की है वो कास्ट अजम ने राइट कॉर्नर पॉकेट पे। पिंक अवेलेबल है जी सेंटर में। वेरी ब्यूटीफुल शॉट बाय वकास रजब। एक अच्छा चांस है जी यहाँ ब्रेक बिल्ड करने का और इस फ्रेम को अपने नाम लगाने का। बहुत ही अच्छा मौका, आई थिंक इससे अच्छा चांस, इससे अच्छा मौका शायद ही दोबारा वकास रजब को मिले, क्योंकि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। दोनों प्लेयर्स ही एक दूसरे के साथ दुश्मनी दिखा रहे हैं गेम के अंदर, और गेम को खेलना भी ऐसे ही तरीके से चाहिए कि आपके मुखालिफ आपका दुश्मन ही है, भले वो आपका सगा भाई ही क्यों ना हो। क्यू बॉल काफी ऊपर ले गए हैं। बहुत ही खूबसूरत मुश्किल शॉट, लेकिन बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पॉट की है पिंक स्टन फॉलो के साथ। वकास रजब जो कि एक नेशनल प्लेयर है, लाहौर से इनका ताल्लुक है जी। मिस कर दिया, काफी मुश्किल शॉट थी। दिखने में ये शॉट आसान होती है, लेकिन जो खेल रहा होता है उसी को पता होता है कि ये कितना टफ शॉट है। कुशन डेड था, क्यू बॉल बिल्कुल कुशन के साथ था। यहाँ से एंगल जज करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ब्लाइंड पॉकेट होती है। और एक अच्छा चांस है शेख उस्मान के पास। मुश्किल शॉट थी, 50-50 चांस होता है यहाँ से बॉल पॉट करना है, जाएगा या नहीं जाएगा, ये 50-50 होता है क्योंकि बहुत मुश्किल थी। गुड शॉट, ले जी वीडियो को एंजॉय करें आप। अब लास्ट में मिलते हैं, आपसे बात करते हैं।
एक अच्छा चांस वकास रजब के पास, मुश्किल शॉट है लेकिन पॉटेबल है, इजी अवेलेबल है रेड लेफ्ट कॉर्नर में, और कुछ एक्स्ट्रा ही फोर्स लगा दी है वकास रजब ने और मिस हो गया है रेड, लेकिन गुड लक आगे से, सेफ है सब कुछ और शेख उस्मान अनहैप्पी नज़र आ रहे हैं वकास रजब की शॉट से। आई थिंक क्यू बॉल को ब्राउन के पीछे लेके जाने की कोशिश होगी और वही थी, आउटस्टैंडिंग शॉट बाय शेख उस्मान, वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग, बहुत ही मुश्किल में डाल दिया है वकास रजब को शेख उस्मान ने। शेख उस्मान जो कि किसी नेशनल प्लेयर से कम नहीं है, वकास रजब जो कि कंफर्म नहीं है स्टांस से उठ गए हैं, अभी कुछ कह नहीं सकते कि क्या शॉट यहाँ पे वो अटेम्प्ट करना चाहेंगे, उनको कुछ समझ नहीं आ रही क्योंकि क्यू बॉल और रेड ब्लॉक है हर तरफ से। आई थिंक मिडिल रेड का थिन लगा कर वो क्यू बॉल को निकाल सकते हैं, लेकिन ये नहायत मुश्किल शॉट है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, काफ़ी टाइम ले लिया है इस शॉट पे और ये इस बात की दलील है कि उनके ऊपर बहुत प्रेशर है इस शॉट पे। पूरी कोशिश थी उनकी कि रेड कहीं ना कहीं सेफ हो जाए, क्यू बॉल निकल आए, लेकिन क्यू बॉल की पोजीशन अच्छी रही और रेड अवेलेबल हो गया है जी। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। और बहुत ही खूबसूरती के साथ शेख उस्मान ने इस रेड को पॉट किया है, ब्लैक अवेलेबल है लास्ट में, ब्लू भी पॉट कर सकते हैं हैंड शॉट के साथ, लेकिन ब्लैक ही यहां पर इनको दरकार है क्योंकि रेड स्ट्रेट सामने अवेलेबल है, अगर तो ब्लैक पॉट कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से ये इस फ्रेम को अपने नाम लगाने में कामयाब हो जाएंगे। आउटस्टैंडिंग शॉट, फेबुलस शॉट, बहुत ही मुश्किल थी, बहुत ही मुश्किल से स्टांस लिया था उन्होंने क्योंकि ब्राउन बॉल नीचे तंग कर रही थी उनको, नहायत खूबसूरती के साथ ब्लैक पॉट की है जी और रेड अवेलेबल हो गया है, लेकिन ये टफ है थोड़ा सा क्योंकि ब्लाइंड पॉकेट है और कुशन के साथ क्यू बॉल बिल्कुल साथ लगा हुआ है, लेकिन शेख उस्मान जो कि ऐसी शॉट्स को फेस करने में माहिर हैं और आई थिंक ये बॉल पॉट कर लेंगे। गुड शॉट, वेरी नाइस, टेबल को, ग्राउंड को, हर कलर बॉल को देखते हुए प्रेशर कंट्रोल करते हुए और एक अच्छी चीज़ कलर बॉल पॉट किया है जी शेख उस्मान ने और बॉल भी खुद ही निकाल के पॉकेट से दिया है मुखालिफ प्लेयर को वकास रजब को, ये एक अच्छे प्लेयर की निशानी है।
हालांकि जो रूल्स होते हैं वो यही होते हैं कि शॉर्ट प्लेयर बॉल पॉकेट से नहीं निकाल सकता, वो मुखालिफ प्लेयर नहीं निकाल के अपने स्पॉट पर रखना होता है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ थी। लें जी, इस ब्लैक पे फैसला हो जाएगा, इस ब्लैक पे फैसला हो जाएगा, बल्कि इस ब्लैक के बाद येलो पे आई थिंक जो सही फैसला होगा वो येलो पे ही होगा, क्योंकि येलो बॉल इस वक्त टफ पोजीशन पे है। वेयर इज द क्यू बॉल गोइंग? गुड लक, गुड लक शेख उस्मान, गुड लक। मेरे हिसाब से शेख उस्मान का दिल इस वक्त बहुत धक धक कर रहा होगा, जैसे मेरा कर रहा था। एक्सटेंशन लगा रहे हैं जी थ्री पीस की मदद से, यहाँ पे येलो पॉट करेंगे। आई थिंक येलो ये बॉल पॉट कर लेंगे, क्योंकि येलो इन्होंने अपनी फेवरेट कर ली है इस वक्त, क्योंकि येलो ही टी शर्ट में ये आए हैं और येलो बॉल पर ही फैसला होगा। तो मुझे लग रहा है कि ये पॉट कर लेंगे, और पॉट कर ली। आउटस्टैंडिंग ब्यूटी। ये है जी शेख उस्मान, फैसलाबाद के प्लेयर, मोस्ट सीनियर प्लेयर है जी, और ऐसी शॉट्स पॉट करने में, खेलने में, फेस करने में ये माहिर हैं, प्रेशर के अंदर खेलने में ये माहिर हैं। ग्रीन बॉल के बाद ब्राउन बॉल इनको रिक्वायर्ड है जी, ग्रीन जो कि इजी बॉल है लेकिन इस सिचुएशन में बहुत प्रेशर वाली शॉट है। काफ़ी सावधानी के साथ हर एंगल को देखते हुए अंदर वाले जो के साथ बबल करके ग्रीन बॉल पॉट हुआ है जी। वन बॉल, ही डन इट, और शेख उस्मान विन कर गए हैं जी। डिसाइडर फ्रेम वकास रजब ने शेक हैंड कर लिए हैं। बहुत मज़ा आया जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।